हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया फ्रॉम पीटीए लर्निंग और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिपीट सेंटेंसेस। जी हाँ, कुछ सुनाई देगा और उसको जैसे सुना है वैसे ही एज इट इज रिपीट करना है। 8 to 10 सेंटेंसेस आते हैं टेस्ट में जिसको आपको एक एक करके रिपीट करना होता है और उनकी लेंथ वेरिएट करती है कहीं ना कहीं 7 to 14 वर्ड से या फिर 3 to 9 सेकेंड्स के बीच में। और ध्यान दीजिए, सेंटेंस सिर्फ एक ही बार सुनाई देगा। जो चीज़ एक बार सुन गई, जितनी रिकॉल कर पाए टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी उसको ऐसे ही रिपीट करना है। नो बीप और शॉर्ट टर्न इज हर्ड इन दिस। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्पीकिंग के क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन खत्म होता है और रिकॉर्डिंग टाइम शुरू होता है, एक छोटी सी बीप बजती है, लेकिन रिपीट सेंटेंसेस के केस में कोई बीप आपको सुनाई नहीं देगी। तो जैसे ही आप ऑडियो सुन लें वैसे ही स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, आप अपना जवाब देना शुरू करें। सिर्फ एक ही बार आपको सुनाई देगा, उसके बाद नहीं। तो जो सुनना है एक ही बारी में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आपकी स्किल कौन कौन सी हैं जो असेस होती हैं, यानी स्कोर कहाँ कंट्रीब्यूट किया जाता है? स्पीकिंग और लिसनिंग में ये क्वेश्चन अपना स्कोर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपके इनेबलिंग स्किल्स में काउंट होते हैं? अगेन, योर कंटेंट, प्रोनंसिएशन एंड फ्लुएंसी। ब्रैकेट्स में आप दे सकते हैं, कंटेंट के आगे लिखा हुआ है 3, यानी कि कंटेंट 3 स्कोर कैरी करता है। प्रोनंसिएशन और फ्लुएंसी 5 पॉइंटर स्केल पे मार्क किए जाते हैं। कंटेंट जितना जो जैसा सुनाई दिया है उसको जितना अच्छे से और सिमिलरली रिपीट करेंगे उतना ही कंटेंट पे स्कोर स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अगर आप 90% 100% रिपीट करते हैं तो आपका स्कोर 3 में से 3 ही आएगा कंटेंट में। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, 1-2 वर्ड्स इधर उधर हो भी गए, तो मोर देन 50% करते हैं तो 2 पॉइंट्स आएंगे, और जैसे जैसे गलतियां बढ़ती जाएंगी स्कोर कम होता जाएगा। द नेक्स्ट पैरामीटर इज योर प्रोनंसिएशन। कोई वर्ड बोला है उसको किस तरीके से बोला है, क्या वो इंग्लिश बोलने वाले नेटिव स्पीकर्स को अच्छे से समझ आया है, बिना किसी डिफिकल्टी के वो समझ पाए हैं आपको, तो आपकी प्रोनंसिएशन करेक्ट है। बी लाउड एंड क्लियर। कितना भी अच्छा बोलें अगर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो स्कोर नहीं आएगा। फॉलो योर नेचुरल एक्सेंट। यू डोंट हैव टू कैरी एनी फेक एक्सेंट। इवन द नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी एक नेचुरल इंग्लिश एक्सेंट को कॉपी करें। अपने नेचुरल एक्सेंट में बोलें, प्रोनंसिएशन और लाउड बोलें, इस चीज़ का ध्यान दें। द थर्ड पैरामीटर इज योर फ्लुएंसी। बोलते बोलते अटकना नहीं है, जितनी स्मूथ सेल होगी उतना ही अच्छा स्कोर आएगा। एक मॉडरेट पेस पे बोलिए, बहुत ज़्यादा स्पीड पे रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं हो पाती है। अवॉइड फॉल्स बिगिनिंग्स। एक सेंटेंस दोहराना शुरू कर दिया, फिर रियलाइज हुआ कि नहीं कुछ गलत बोल दिया है, फिर उसको दोबारा से रिपीट करेंगे, ये अवॉइड करना है। फंबल ना करें और रेपिटिशंस बिल्कुल ना करें, अटके नहीं, जो चीज़ जैसी बोल दी है आगे की करेक्ट करके बोलते जाएं। अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? प्रोनंसिएशन, फ्लुएंसी, कंटेंट पे मार्क्स आएंगे, सुन के दोहरा देना है, बहुत आसान लगता है, पर उतना आसान है नहीं। जब 7-8 वर्ड्स का सेंटेंस आता है ना, तो उतना सुन के तो हर कोई रिपीट कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी प्रॉब्लम भी बढ़ते जाएंगे। तो क्या तरीके हैं जो अपनाएं? लेट मी टेल यू, देयर इज नो वन बेस्ट वे। हो सकता है कि मैं किसी तरीके से अच्छा अटेम्प्ट कर सकती हूँ, आपके लिए वो तरीका बिल्कुल काम ना करे, या आप जिस तरीके से काम करते हैं वो थर्ड बच्चे के लिए बिल्कुल भी यूजफुल ना हो। कुछ तरीके हैं ट्राइड एंड टेस्टेड, जिनमें से मिक्स एंड मैच, कॉम्बिनेशन 2 का, या इंडिविजुअली कोई भी एक, आई एम 100% श्योर आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। पहला है ट्राई टू ग्रैप द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। फटाफट सुन के इतना का समझ लो कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि जब आप उसकी बात समझ लेंगे ना तो आधी बात तो अपने आप ही दिमाग में फिक्स हो जाएगी। ट्राई टू विजुअलाइज और मेमोराइज, याद करने की कोशिश करें फटाफट सुन के, या उसकी अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लें कि सेंटेंस किस बारे में है। जब एक पिक्चर बना लेंगे दिमाग में तो जब रिपीट करेंगे तो आसानी से बात दोहराई जाती है।
तीसरा तरीका है मेक नोट्स यूजिंग इनिशियल्स ऑफ ईच वर्ड और यूज एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म्स लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट को, IMP लिख देते हो फटाफट से, है ना. स्टूडेंट्स को ST लिख सकते हो. आपकी एब्रीविएशंस आपके समझ में आनी चाहिए और किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है. कुछ बच्चे इनिशियल्स लिख लेते हैं. ये तरीका है तो बहुत ही अच्छा, बट इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है. बार बार सुनो और जो सेंटेंस सुनाई दिया उसके हर वर्ड का पहला पहला लेटर लिखते जाओ. ऐसे स्पीड फटाफट लिखा भी जाता है और आराम से रिपीट भी हो जाता है. पर्सनली अगर आप पूछें तो कॉम्बिनेशन ऑफ दो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, विजुलाइज करना और एब्रीविएशंस या इनिशियल्स लिखना. इन दो तरीकों को मिक्स करके मुझे लगता है मैं अपना रिपीट सेंटेंस हमेशा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाती हूँ. कोई एक तरीका नहीं है, तीनों तरीके से एक एक दो दो बार प्रैक्टिस करें, देखें आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहता है और अकॉर्डिंगली ही अपनी तैयारी में आगे बढ़े. नेक्स्ट सेंटेंस सेज दैट यू हैव टू रिमेंबर अ फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. नेवर लीव अ टास्क अनअटेम्प्टेड. मैंने बड़े आराम से कह दिया कि आपको एक चीज सुनाई देगी, आपने उसको रिपीट करना है. अब वो रिपीट करना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से बोला जा रहा है. एक चीज ध्यान रखें बच्चे, आपको पूरा सेंटेंस सुनाई दिया हो या ना दिया हो, लिख पाए हो इनिशियल्स या ना लिख पाए हो, आपने जब अपना आंसर देना है तो माइक्रोफोन में एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ही बोलना है. कहीं पे कोई चीज स्किप हो गई है उसको अनअटेम्प्टेड मत छोड़ दो, उससे तो वैसे भी कोई स्कोर नहीं आने वाला. अटेम्प्ट किया ही नहीं तो स्कोर आएगा कैसे? जितना अटेम्प्ट करोगे और जितना अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी और प्रोनंसिएशन पे तो स्कोर पा पाओगे. मेक अ सेंटेंस यूजिंग व्हाटएवर यू कैन रिकॉल. एक सही सेंटेंस बना दो ग्रामर का, जितने वर्ड सुने हैं जो याद है उनकी हेल्प से. एड फिलर्स टू द वर्ड्स. जैसे अभी मैंने बोला जितना सुनाई दिया है उसको ग्रामेटिकली बस करेक्ट करो और एक प्रॉपर सेंटेंस बना दें. यू कैन रिकॉल एंड मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट. सेंटेंस सही होना चाहिए. ये बात तो जरूर है कि कंटेंट में आपको 3 में से 3 नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने काफी सारे वर्ड स्किप किए होंगे, बट यू ऑलवेज हैव अ ब्राइट चांस टू स्कोर इन प्रोनंसिएशन एंड द फ्लुएंसी. सो दैट इज ऑल फॉर द डे.